मुठभेड़ हो गई जिसमें दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोवर्धन पुलिस की बावरिया गिरोह के सदस्यों से मुठभेड़ हो गई जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। विगत देर रात गोवर्धन पुलिस ने बावरिया गिरोह के दो सदस्यों को मानसी गंगा मुकुट मुखारबिंद से श्रद्धालुओं की चैन चोरी के मामले में मुकेश बावरिया और सुरेश बावरिया को गिरफ्तार किया। उनको राधाकुंड बाईपास मुखराई के निकट उनके द्वारा चोरी के सामान को छुपाने वाली जगह ले जाया गया, जहाँ पर छुपे हुए तमंचे से पुलिस ने फायर कर दिया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई जो बदमाश के पैर में लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही उसके साथी को अवैध हथियारों के साथ जेल भेज दिया गया है। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24। थाना गोवर्धन क्षेत्र में मानसी गंगा मंदिर पर एक व्यक्ति की दर्शन करते समय चेन तोड़ ली गई थी। सीसीटीवी कैमरे से पहचान करी गई तो दो अभियुक्त जिनका की नाम मुकेश बावरिया और सुरेश बावरिया थी, इनकी पहचान हुई। पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। इनके बताए हुए जगह पे जब पुलिस के द्वारा माल बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था तो राधाकुंड बाईपास के करीब एक प्लॉट की चहारदीवारी में इनके द्वारा अपना जो ये चेन बेची गई थी उसका पैसा तथा अपना तमंचा रखा हुआ था। मौका मिलते ही इन लोग मुकेश बावरिया के द्वारा पुलिस पर फायर करके भागने का प्रयास किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षात गोली चलाई जिसमें कि एक गोली इस बदमाश के पैर में लगी है। मौके से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसका जो अन्य साथी सुरेश बावरिया था उससे भी नकदी पैसे के अलावा एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।